एक अजीब तरह का मामला जो है वो सामने आया, और ये मामला पुलिस स्टेशन ग्रोटा का है। सुनने में आया कि वहां पर जो मुंशी हैं उन्होंने महिला पुलिस कर्मी एसपीओ उनको गला दबाकर मारने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक अजीब तरह का मामला जो है वो सामने आया, और ये मामला पुलिस स्टेशन ग्रोटा का है। सुनने में आया कि वहां पर जो मुंशी हैं उन्होंने महिला पुलिस कर्मी एसपीओ उनको गला दबाकर मारने की कोशिश की है। इस तरह की खबरें जो है वो सामने आई है, और ये हैरान करने वाला मामला है कि आखिर पुलिस स्टेशनों के अंदर ये क्या हो रहा है। जो महिलाएं पुलिस कर्मी हैं, क्या उनके साथ भी पुलिस स्टेशनों के अंदर दुर्व्यवहार होता है, या फिर खेल कुछ और ही है और जो बाहर आ रहा है वो कुछ और है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पूरा जो मामला है विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खबरें बाहर आ रही हैं कि एक मुंशी ने एक महिला पुलिस कर्मी को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है, इसके बारे में विस्तार से बताएं कि ये कहां का मामला और क्या हुआ है। देखिए, परसों का ये मामला है, ग्रोटा पुलिस स्टेशन का मामला है। एक महिला एसपीओ की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जी जो है उसने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस शिकायत पर अधिकारियों की तरफ से, एसएसपी जम्मू की तरफ से इस मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि डीएसपी अखनूर इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द अपनी इस मामले में रिपोर्ट। जो महिला है, महिला एसपीओ है, महिला एसपीओ की तरफ से कहा गया था कि वो थाने में गई थी, उस दौरान उनकी बहस हो गई। बहस के दौरान मुंशी ने उनका गला दबाया, उनका आरोप है। आरोप की पुष्टि नहीं करते, उनका ये आरोप है। दूसरी तरफ मुंशी का कहना है, मुंशी पक्ष का कहना है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं आपको यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ग्रोटा पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गेट से लेकर अंदर तक कैमरे लगे हुए हैं, और ये पूरी घटना जो है कैमरे में कैद है, जिसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एविडेंस बनाया हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि एक मामला को पुराना चल रहा है कस्टोडियल डेथ का, कस्टोडियन डेथ का एक मामला हुआ था 2014 जी। तो उस दौरान एक विवाद तब से चलता आ रहा है, और वो जो मौत थी वो महिला के परिवार से जुड़ी हुई है। उस मामले को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। उस मामले में एक अधिकारी का नाम लेके आरोप लगाया जाता है, वो अधिकारी अब तक अपने कोर्ट में नहीं है जी। एक चल रहा है काफी समय से मामला ऐसा चल रहा है, वो भी जांच के दौरान सामने आ रहा जी। अभी दोनों पक्षों की तरफ से एक पक्ष कह रहा है मुझे मारा, एक पक्ष कह रहा है मैंने नहीं मारा। एक पक्ष कह रहा है कि ये महिला मुंशी साहब कह रहे हैं मैंने नहीं मारा है, तो बेहोश कैसे हो गई उसको, वो तो एडमिट है वहां पर। नाम क्या है महिला पुलिस कर्मी का? संध्या देवी। संध्या देवी, अच्छा। तो मुंशी पक्ष का कहना है कि महिला गेट के बाहर बेहोश हो गई, हमने उठाकर स्थानीय अस्पताल में लाया, वहां से जीएससी में रेफर किया जी। उनका कहना था कि को सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने उसको मदद दी, थाने के बाहर हुआ है। महिला पक्ष का कहना है कि मेरा गला दबाया गया जिससे मेरी सांस में प्रॉब्लम। दोनों पक्षों के अलग अलग बयान है, लेकिन अभी ये मामला जांच कर रहे हैं। सीनियर अफसर डीएससी रैंक के एक अफसर को जांच करने के लिए कहा गया है, वो अपनी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही पूरी बात में पता चलेगा। नहीं तो इसमें सवाल ये भी है कि अगर उस महिला को नौकरी का कोई मामला है तो वो मुंशी से या थानेदार से क्यों बहस करेगी, वो तो उससे उनसे बहस करने का उसको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, इस मामले में अलग अलग पहलू बाहर आ रहे हैं जी। जैसा मैंने आपको बताया कि हिरासत में एक मौत का मामला है, वो मामला भी चल रहा है। उस मामले में क्या है क्या नहीं, अभी हम ऐसे उजागर नहीं कर पाएंगे इस मामले को। ऐसा एक मामला है, लगातार
काफी बार इस मामले को उछाला भी गया है, ऐसे इस प्रकार का एक मामला है जी। तो महिला का जो आरोप है उसकी भी जान चोरी है, और जो मुंशी पक्ष का अपने बचाव में कहना उसकी भी जान चोरी है, तो सीसीटीवी लगे हुए है पूरे थाने जी। अगर मारपीट आई है हुई है तो वो सामने आ जाएगी। कहीं ऐसे ऐसे स्पॉट के ऊपर तो नहीं मारपीट हुई है जहाँ, क्योंकि थानेदार हैं, मुंशी हैं, उनको नॉलेज होता है कि कहाँ मारना है, कहाँ नहीं मारना है, कहाँ क्या करना है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ सीसीटीवी कैमरा की रेंज नहीं थी, उसकी जद में वो आ नहीं सकते थे, वहाँ मारा पीटा है? नहीं, महिला की तरफ से कहा गया मुझे थाने के अंदर मारा गया, ये थाना पूरा कवर है। अच्छा, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों का अपना बचाव और अपना आरोप, अब ये जांच के दौरान पता चलेगा कि कौन सबसे बोल रहा है और कौन गुमराह कर रही है। नहीं, इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं सामने? नहीं, अभी मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है, उसके बाद ही पता चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, अभी जो जांच अधिकारी है जो डीएसपी, वो मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान से देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि कोई इंजरी है तो मारपीट नहीं है जी। मतलब रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट ऐसा जो महिला पुलिसकर्मी है उनके फेवर में आती है तो फिर मामला बन सकता है? हाँ, फिर मामला बन सकता है, अगर नहीं आती है तो फिर मामला नहीं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। तो ये देखेंगे ये किस तरह का मामला है जहाँ पर दोनों जो हैं ये पुलिस कर्मी आपस में ही भिड़े हुए हैं। आपको नौकरी का मामला है, क्या मामला है, क्या सच में मारा पीटा है, सीसीटीवी के फुटेज में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि नहीं आया है, लेकिन महिला जो है वो मेडिकल जांच भी करवा रही है, अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। जांच जो की जा रही है उस जांच में क्या निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या ये महिला जो है वो जानबूझकर इस तरह के आरोप लगा रही है, या फिर मुंशी साहब ही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा है, या बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मी जो हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस मुंशी को, या फिर मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये विवाद जो खड़ा हुआ है, जो सामने आया है, वो ना हो। लेकिन जब खबर बाहर आती है तो चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।